हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं, स्वागत है नवे ब्लॉग दे विच। होप के तुसीं सब वधिया होवोगे। ये ब्लॉग की स्टार्टिंग 5:30 ते नहीं 5 बजे है, इहदा अज 5 बजे वेले हो गए आ, चले आ घरां नूं। कल दी छुट्टी हो गई सी, अज भी सानूं तां इह सीगा वी इक गड्डी हुई आ, पर चलो फिर भी सारा दिन लग गया, वधिया हो गया। चलो मौके ते स्नो पैण दी है, ठंडे ठंडे पहुंचिए घरे आपां नूं। थोड़ा स्नो दा नज़ारा विखा देना सी, स्नो दे नज़ारे विखाउण नहीं दिया उदों दा, स्नो दा पुछो ना नज़ारे कदे इत्थे आ के देखो पता लगनगे नज़ारे। हुणे विखाउणा पैण नज़ारे, आ चैक करो नज़ारे, हुण तुरन तों पहलां इहनूं साफ करना पैणा। आ ही नज़ारे इत्थों दे, टाइम चेक करो 8 चले आ, होर 2 घंटे नूं अपने सोन दा टाइम भी होए ना। अज वैसे तो मैं सवेरे व्लॉग स्टार्ट करना सीगा, बट सवेरे एक छोटी जी कलोल हो गई, तो राती ना आपां लैण गए सीगे मणि नूं, ते उत्थों आउंदिया आउंदिया 12 वज गए, ते उदों बाद फिर सुत्ता लेट। ठीक है, 12 क बजे सो गया ही, मैनूं लगदा 12 बजे तक घर पहुँच पहुँच के, तो फोन चार्ज ला के आपदे वल्लों तो मैं सो गया। बट एक्सटेंशन सी ना उहदा प्लग पट्टिया होया सीगा, तो इन्नी मैं गौर नहीं की, मैं आपदे वल्लों चार्जर प्लग करके तो सो गया अलार्म ला के, तो फोन पहले ही डाउन सीगा 10% सीगा। रात मैसेज मूसेज आते रहे इंस्टाग्राम से स्नैपचैट से, आदि रहिंदियां स्नैपा स्नूपा, उहदे करके फोन हो गया डाउन। ठीक है, सवेरे अलार्म वज्जिया नहीं, तो घरों डैडी भाजी फोन करी जान, तो मैनू किसे सुनने ही गए आईफोन, जो सोचो सीगा तो आईफोन जिहड़ा ये साइलेंट पे पिया सीगा, पता लगा नहीं। मैं जाके उठिया 7:30-8 बजे काम ते जाना सीगा, बस फिर मिनट मारे आपां। ठीक है, अज कैब च ही गए सीगे इदां ही, तो सवेरे रोटी रूटी खाधी बाहवा भज्जिया, तो महा पूरे पूरे टाइम से पहुंचे ही सीगा, तां करके सवेरे व्लॉग नहीं शूट किया। चलो हुण मौके ते जे टाइम लग गया तो आपां अपने ट्रैक्टर पर काम कर लीए। ठीक है, वैसे कल वाले व्लॉग च मैं कहा सीगा भी दस्यो आप डिफरेंशियल यूज़ करिए कि सीधा एक्सल यूज़ करिए, एक बाई का कमेंट आया सीगा भी सीधा एक्सल यूज़ करके जिमें गेयरबॉक्स बनाओ भी डिफरेंशियल ना लाओ, तो बाकी चलो देखते हैं, क्योंकि अपने को गेयरबॉक्स तो है ही है, बस उन्हें आप एक अद्धा होर गेयर ऐड करना, जो गेयर का बंदोबस्त हो गया फिर उही जुगाड़ लावे। मेरी भी सलाह उही जुगाड़ लाने की सी भी आ ट्रैक्टर आप हमने ना खिलारीए। ठीक है, भी इन्हू कोई थोड़ा चेर चला लीए हजे आप, चलो कोई नहीं देखते दे हैं। फिलहाल हूँ इनू मैं ना चार्ज लाना, क्योंकि उतों एक्सटेंशन से हजे भी पट्टिया होया, तो वह लगना नहीं गा, इनू इत चार्ज ला लीए फिर कित अजी कलोल ना हो जाए, हो जूगा 3% सिर्फ इनकी सच लोड़ है इतनी आप। अपना स्टैंड आ रहा, इनू रखिए उत्ते, रिमोट की मे बी जरूरत पै सकती है, बट नहीं अज तो नहीं पैनी, अज आप इन खोल के देखते हैं जरूरत की पैनी है। वैसे भी मैं जेडे सैल पाए सी ना रिमोट वाले सी, फिर मैं वापस पाते ता करके, हुण पता नहीं गाँव नट पिया, चलो देखी जाऊगी जिते कि लोड हुई। तो मैं 5 किक लैके आया सीगा, 5 किक नहीं गी की कहिंदे इहनू लिखिया होना इत्थे सुपर ग्लू, इन तो अज पोस्टमार्टम करते हैं। तो उदों बाद कई वीर मैनू कह दिंदे सीगे इंस्टाग्राम ते मैसेज आया सी 1-2 जणिआं दा भी ट्रैक्टर रिटर्न ना करो, आही रखो कोले छोटा जिहा वधिया लगदा, बट मेन दिक्कत यह है भी जिन्ने पैसे इन्दे ते लाए आ, ठीक है, जे आपां उन्ने पैसे किसे ट्रक ते किसे मोस्टर ट्रक ते लाउंदे, मतलब कि अपने पिक्के वर्गा कोई ट्रक लैंदे स्लो स्पीड वाला, वधिया घेंट मिल जाना सीगा। ठीक है, तो उन्हें पार्ट्स भी अपने वधिया काम आए नहीं गए, वधिया उन्हें जो बैटरी होनी सी, रिमोट सारा कुछ होना सी, इन्हें की कुछ भी नहीं गा, ना इन्हें डिफरेंशियल है ना कुछ, अपने काम भी नहीं आ सकता कल। ठीक है, ता करके मेरी सलाह इन्हू तो आप रिटर्न ही कर देंगे, तो इनकी थान पर कुछ ना कुछ नवा ऑर्डर कर देंगे, जो कोई होर वधिया ट्रैक्टर मिल गया अपन ऑर्डर कर देंगे, नहीं तो फिर उन्हें नाल दा कोई मोस्टर ऑर्डर करांगे आप। ठीक है, बाकी कोई नहीं, जो ऑर्डर करांगा मैं तुहानू दस दांगा, हजे तो इन्हू ही नहीं रिटर्न पर लाया, अज ला देंगे मे बी, अज नहीं तो कल जो टाइम लगे बस इन ला देंगे। तो टाइम टेबल भी कल अपना हो गया सीगा सैट, तो कल नूं आपां क्लास लाउण भी जाना, वह भी चलांगे शाम जी नहीं है काम तो सीधा ही चलांगे मे बी, बाकी चलो कोई नहीं लग जू कल पता तुहानू। फिलहाल हुण इहदा पोस्टमार्टम करदे आ। ओहो, सौ सही कराता, इन्ना औखा खोलिया ना, छोटा जिहा हैगा, पता नहीं कित्थे कित्थे लोक अड़ा रखे ने, पुछो ना, सारी वाह कराती इहने।
चलो भी देखते हैं इन्हें की सिस्टम है। दिखे नहीं दिया सिस्टम तो सारा कुछ अंडरग्राउंड ही कर रखे सारे मैं लगता नट नुट खोलने पैने कटाई वाली मोटर है देखो थले करके ला रखी और दिसदा वे इतने कुछ भी हाँ है इन्हें बेच ही ने हूँ जेडे भी गेर गूर ने जो भी है चलो देखते हैं पंगा तो लाँगे दबते तो है नहीं आप एक चीज़ होर इन नोटिस करने वाली है इन्हें चाह वेखो अगली जी मोटर है वह तो वही ला रखी जिम्मे नॉर्मल अपने टोए के आती है बट जी बैकसाइड वाली मोटर है वह है छोटी थोड़ी जी ये भी आप खोल के देखते हैं ठीक है इनका पूरा चीर फाड़ करते हैं उनका तो नहीं किया बट इनका तो करा जरूर फिर इन खोल के देखते हैं ये की कुछ है ना देखते हैं भी आ मोटर छोटी ला रखी इनका रीज़न की है हो सकता भी ज़्यादा पावर वाली हो मोटर उदा छोटी हो मतलब कि बैटरी घट खिंचती होर ज़्यादा मारती हो सकता मे बी तो आ भी देखते हैं भी इनका कटाई सिस्टम इन्ना कि बनाया हुआ बच्चे गेयर गूर लाए गए सीधा ही मोटर ला रखी लो भी आ सारा खोल के धरता जी मैं देखा बच्चे वाहवा गरारिया गरूरिया यूज़ की होनी भी एडे टायर जे घेड़न दिया है गेयर एक ही लगा बच्चे एक नहीं मतलब कि कह सकते हैं दो गेयर क्योंकि आ जी फट्टी इन साइड से भी गेयर बने हुए हैं आ वाला व्डा गेयर है ना व्डा कहना इन जो थले छोटा गेयर है वह आ फट्टी घुमा है जिंद स्टेयरिंग मुड़ता चीज़ घंट लगी हुई है वैसे तो बट हूँ इन खोल तो लिया जोड़ना वाला औखा काम है क्योंकि इन उत्ते वाला सारा पोर्शन मैं पट्टता है हूँ सारे टायर टूर बच्चे दोबारे सैट करके फिर इन फिट करना पेगा तो बैकसाइड वाला नहीं मैं खोलिया क्योंकि अपने को हजे सोल्डरिंग आई नहीं गी ठीक है भी आप इन टांके दोबारे ला सकी है क्योंकि मोटर के टांके टूंके पट्टने पैणगे इनू खोलन लिए सोल्डरिंग अपनी देखो एक दो दिन आ जाए तो आ जाए बाकी कुछ नहीं कह सकते हजे ऑर्डर तो की हुई है चलो मार के हिम्मत इन अगले पोर्शन में अटैच करके फिर पिछला पोर्शन खोलेंगे जिमें सारे कट्ठा खोलता ना सारा फिर खोरू ज़्यादा पै जाना तो जुड़ना नहीं चलो इन जोड़ते हैं हूँ खोलन चे मिनट मारे हूँ जोड़न च वेखते कि टाइम लगता वैसे इन ना स्टेयरिंग सिस्टम अपने काम आ सकता है बट ये तो आप रिटर्न पर ला देना ता करके इन्हें बारे सोचने का कोई फायदा नहीं ठीक है आप देखा इन्हें नाल दा कोई होर मोन्स्टर या कुछ मंगावे ठीक है जिंद इदा का स्टेयरिंग सिस्टम हो जो सस्ता मिलता हो मे बी इदा का तो आप वॉलमार्ट तो भी मिल जूगा जो अपने वाले झोटे तो आप लाना हो स्टेयरिंग सिस्टम उदो आप ले आवेंगे कोई चक्कर नहीं गा तो मौके पर आप इनू फिट करता ठीक है हूँ मैं इनका बैक एक्सल खोल के देखना भी उन्हें कि गेयर लगे हुए हैं पहले दिन टायर खोलने पैने देखते हैं सौखे खोल जाएंगे कि मथक पाई करनी पेगी जिमें करनी पई सी बहुत ज़्यादा लो भी आ चेक करो चार गेयर लगे हुए एवें नहीं भजा फिर वैसे आ वाली सेम टू सेम गेयर आप चाहिए आ कि करिए इन चाटे का उन्हें यूज़ कर ली तो फिर इन की यूज़ करा सही गल है कि नहीं वैसे आप इस गेयर बॉक्स नाल एक घेंट ट्रैक्टर बना सकते हैं जोड़ा कि मैं बड़ा औखा खोलिया जी पुछो ना बिच गलीस गलूस भी की हुई है देख लो प्लास्टिक के गेयर च भी गलीस की हुई है सही है बई तो आ छोटी जी बिच मोटर ला रखी बिल्कुल ही ये अपने ना सब तो पहला जिहड़ा आपां मोन्स्टर मंगाया सी इंडिया छोटा जिहा मोन्स्टर आया सीगा ना 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 समान नहीं गुमना चाहिए छोटा जिहा मोन्स्टर आया सीगा उहदे विच सीगी एवें दी छोटी जी मोटर गेयरबॉक्स की फिटिंग हो चुकी है बस हुण टायर जोड़दे आ तो फिर इन सारे जोड़ते हैं खोलिया बड़ा औखा सीगा हूँ जोड़न लग्या देखते दे हैं भी किन्ना जोर लगेगा क्योंकि टेप टूब लगी सारा कुछ मैं पट्टता ठीक है टेप दोबारे लाने इन रख के सील पैक कर दें जिमें आया सीगा डिटो उवें का तो फिर इन चक के आप डब्बे भी पैक कर ही दें क्योंकि एक दो दिन से रिटर्न करना ठीक है बहर रख के आप भी की करना वैसे इन डब्बे पैक करके रख देंगे जदों कुरियर आया उन्होंने फटा देंगे आप वापस ली तो नवी चीज़ ऑर्डर कर देंगे लो भी डब्बा अपना जिहड़ा पैक करता पैक करके इनू रख दी आप इत्थे जो आऊगा कुरियर वाला आप फड़ा देंगे नहीं सैट हो जाता जमा ओके रिपोर्ट चलो भी अज का ओ ट्रैक्टर का काम समाप्त नहीं होया क्योंकि आ चीज़ा रह गई जी बाहर ही अल गौर ही नहीं की इन्हों की यार सरे ही पै मेरा भी हूँ दोबारे खोलना पैना डब्बा चलो अभी मैं रख ही दिना उस बाद देखते हैं भी नवे ट्रैक्टर से काम स्टार्ट करना है कि हजे रुकना है क्योंकि 9 बज गए
ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਲੋਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਟਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਝੋਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਟਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹਲੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਬੈਕ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਹਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਆਹਲੇ ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਮੇ ਬੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਨੂੰ ਘੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ। ਮੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਘੈਂਟ ਟਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਚੜਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ 9:36 ਹੋਏ ਆ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਬਟਮੈਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਨੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਜੀਆਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਸੋਲਡਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ, ਅਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੱਥਕ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, 9:30 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 10:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, 10:21 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵਲੋਗ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲੋਗ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।